तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग अंजलि भाभी के फैंस हैं, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अंजलि भाभी जरूर से जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि जो हमारे अंजलि भाभी को पसंद करने वाले कितने ज्यादा लोग हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हमारी अंजलि भाभी है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है अपने इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि वह जिस तरह से अपने इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बना रही है, वह काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो उनके बहुत डाई हार्ट फैन हो चुके हैं उनके इंस्टाग्राम के रील्स को देखकर, फोटोज को देखकर। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो हमारी सुनैना फौजदार है, यानी कि जो हमारी नई अंजलि भाभी है, उन्होंने अपना एक रील पोस्ट किया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी दोस्तों, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि इसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इस रील में आप देख सकते हैं कि जो हमारी सुनैना फौजदार है, उन्होंने नाइट सूट पहन रखा है या एक स्विमिंग सूट टाइप का पहन रखा है, और वह काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। और जिस तरह से वह अंदाज दे रही है, अपना बोल्ड लुक दे रही है अपने वीडियो में, वह काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से कमेंट किए। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो हमारी सुनैना फौजदार है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, जिस तरह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लोग इनके किस किस तरह के फैंस हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि वह किस तरह से पानी से खेल रही है और किस तरह से वह स्माइल कर रही है। वह काफी ज्यादा क्यूट लगता है बहुत सारे लोगों को, और जिस तरह से उन्होंने ड्रेस पहन रखा है और अपना बोल्ड लुक दे रही है, अंदाज दे रही है, लोगों को काफी ज्यादा ये पसंद आया। और बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा है कि इस तरह के वीडियोज आप लाते रहिए कीजिए, ताकि हमें देखने में बहुत ज्यादा मजा आए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा सुनैना फौजदार का, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।